अगर कहा जाए कि बिना मिट्टी की खेती हो सकती है तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी छत पर ही इस कारनामे को कर दिखाया है। बिना मिट्टी के पौधे, छत है या खेत, ना तो लंबे चौड़े खेतों की जरूरत है और ना ही मिट्टी की, फिर भी आपको मिलेंगी हरी और ताजी सब्जियां। ये कमाल दिखाया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां प्रदीप नाम के शख्स ने खेती के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। थर्मोकोल के बॉक्सेस जो होते हैं, इनका वजन भी नहीं होता और ये जल्दी खराब भी नहीं होते हैंगे। इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर जो है, हम लोग 2.5 किलो कोकोपीट डाल लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर करीब 3 से 4 किलो वर्मी कंपोस्ट डाल करके हम मिक्सर तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही बॉक्सेस के अंदर, डिब्बों के अंदर हम लोग पौध तैयार करते हैं और उस पौध का रोपण कर देते हैंगे। भिंडी हो या तुरई, लौकी हो या करेला, या फिर टमाटर, मटर या सेम, हर तरह की मौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिट्टी की जगह कोकोपीट यानी नारियल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में पौधों को पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। यहाँ पे के अन्य प्रकार की फसलें उगाई गई हैं, मिर्च है, मक्का है, भिंडी है, बैंगन है, और भी फसलों के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। मैंने एक खेती देखी, मैंने बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने मतलब बिना मिट्टी के यहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं। मैं छत के ऊपर जो कंपोस्ट उगाई जा रही है, फसलें उगाई जा रही हैं, यहाँ बिना मिट्टी के भी बिल्कुल फसलें बढ़िया हो रही हैं। इस तकनीक के जरिए एक बॉक्स को 3 साल तक इस्तेमाल किया जाता है। बस हर बार पौधों को बदलने की जरूरत होती है, जिससे सब्जियों को उगाने में लागत बहुत कम पड़ती है। 70-80 रुपए का एक डिब्बा मिल जाता है, जिसके अंदर 2.5 किलो हम 100 रुपए की लगभग कोकोपीट डालते हैं और 100 रुपए की ही कंपोस्ट, इसके अंदर 60-70 रुपए की कंपोस्ट डल जाती है, तो लगभग 250 रुपए में ये डिब्बा पूरा तैयार हो जाता है। और फिर इसके अंदर, इस डिब्बे के अंदर हम लगभग 3 साल तक लगातार कोई क्रॉप लेते रहेंगे, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ एक और अभी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में अगर लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगे तो केमिकल रहित सब्जियाँ सभी को बड़ी आसानी से मिलने लगेंगी। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।